Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. बिहार के मैं बिहार को आप लोग वॉच करते होंगे तो बिहार के कौन से नेता आपको ज्यादा पसंद है ये बताइए। हम तो अपना आइडल अपने पापा को ही मानते हैं। पापा को मानते हैं तो आखिरकार नीलम देवी ने जीत हासिल कर ली है। हमारे साथ नीलम देवी के बेटे और अनंत सिंह के बेटे अनिकेत और अंकित और अभिषेक है। कैसा लग रहा है जीत हासिल हो गई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। ये हमारी जीत नहीं, ये जनता की जीत है। जनता की जीत है। कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अब जनता का इतना प्यार है फिर तो जो जनता चाहेगी वो तो होना ही चाहिए। अब क्या लग रहा है आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, क्या इस राजनीतिक विरासत को आप आगे ले जाइएगा? जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल। बिहार के मैं बिहार को आप लोग वॉच करते होंगे तो बिहार के कौन से नेता आपको ज़्यादा पसंद है ये बताइएगा। एज लाइक तो हम अभी स्टेट पॉलिटिक्स में इतना मतलब इतना डिटेल में अभी कुछ वो नहीं है। हमारा तो नॉर्मली जो स्टडीज पे चलता है उसलिए अभी इतना हमने कोई फोकस नहीं किया। देश में हम तो अपना आइडल अपने पापा को ही मानते हैं। पापा को मानते हैं। और कोई नेता जो लगे कि हाँ देश में जैसे राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इन दोनों में आपको कौन ठीक? इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस पर कुछ नहीं बोलिएगा। उम्मीद है कि राजनीति में आप लोग आ सकते हैं। इस पर भी कुछ नहीं बोल सकता अभी। नहीं बोल सकते आप बताइएगा। उम्मीद तो पहले आप जीत के बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, जीत बहुत अच्छा लग रहा है। आज सब पूरे चारों तरफ खुशी का माहौल है। पॉलिटिकल साइंस आपने आप भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाला भविष्य? क्या आनंद सिंह के जो राजनीतिक विरासत उसे आप संभाल लीजिएगा? हाँ बिल्कुल संभाल लेंगे, और अगर जब भी जनता को जरूरत पड़ेगी हम हरदम उनके उसके लिए हाजिर हैं। क्योंकि फिर दो साल के बाद इलेक्शन है। हाँ बिल्कुल, तो दो सालों में हम और इतना अच्छा काम करेंगे कि उसके बाद तो फिर समझिए जीत फिर से सुनिश्चित है। जो चुनाव के वक्त कैंपेनिंग चल रहा था नीलम देवी जी गए थे, क्या आप लोग गए थे अपने? नहीं हम नहीं गए थे, हम लोग एग्जाम्स में बिजी थे। अभी हमारा सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे। दो साल के बाद उम्मीद है कि जाइएगा? वो भी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। आप बताइएगा आपके आपके हिसाब से देश में जो राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कौन नेता आपको ज्यादा अच्छा लगता है जो देश को चला सके? आई हैव मिक्स्ड व्यूज अपॉन दिस बट आई कांट टेक एनी सिंगल पर्सन नेम इन दैट। अब एक आखिरी सवाल बताइएगा, अनंत सिंह नहीं है, उनकी कमी खल रही है आप लोगों को? कमी तो बिल्कुल खलती है पर जनता का इतना प्यार मिल जाता है तो सब ठीक है। आप बताइएगा कि जिस तरीके से आप लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, यहाँ आने का मौका बहुत कम मिलता होगा आप लोगों को? बहुत कम मिलता है, लेकिन लोगों के भी जब भी आते तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। क्या अब जैसे अभी कितने दिन के लिए पटना में आप हैं? अभी इन 2-3 डेज, 2 दिन में वापस क्षेत्र में जाइएगा? इसके बारे में अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं। बातचीत हुई है माँ से? अभी नहीं हुई, अभी तो सब बिजी है, मम्मी बिजी है, अभी जीते ही हैं, उसे अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ हमारा। चलिए धन्यवाद। तो ये थे अनंत सिंह के दोनों बेटे अंकित और अभिषेक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले भविष्य में अगर राजनीति में अगर अपने पिता के जो कमान इनके मिलती है तो इसे वो जरूर संभालेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।